आप देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद दिल्ली NCR में हो रही विश्व हिंदू परिषद की रैलियों पर रोक की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बुधवार को बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि भड़काऊ बयान की स्थिति में कार्रवाई हो, ये देखा जाए कि कार्यक्रम के चलते हिंसा ना हो, संवेदनशील क्षेत्र में कार्यक्रम हो तो अतिरिक्त बल तैनात करें, CCTV कैमरे लगाए जाएं। इसको लेकर कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और UP सरकार को नोटिस भेजा है। BHP के कार्यक्रम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, राज्य से सिर्फ यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उसमें भड़काऊ भाषण ना हो, उन कार्यक्रमों के चलते हिंसा न फैले। मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। जज ने रैली पर रोक की मांग करने वाले वकील से सवाल किया कि किस तरह के कार्यक्रम हैं, तो वकील ने कहा कि इन्हें प्रदर्शन कहा जा रहा है, कुछ सुबह हो चुके हैं, कुछ बचे हैं। जज ने पूछा कि क्या सुबह हुए कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण हुए, वकील ने इस पर हां कहा। वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SB राजू ने बताया कि उन्हें अभी फाइल मिली है, मैंने पढ़ा भी नहीं है। जज ने कहा कि हम दोनों ने भी नहीं पढ़ा है, हम शुक्रवार को सुनवाई करेंगे, इस बीच आप सुनिश्चित करें कि हमारे पुराने आदेश का पालन हो, भड़काऊ बयान की स्थिति में कार्रवाई करें, यह देखें कि इस कार्यक्रमों के चलते हिंसा ना हो। पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील CU सिंह ने कोर्ट से कहा है कि दक्षिण पंथी संगठन BHP और बजरंग दल के दिल्ली NCR के विभिन्न हिस्सों में 23 प्रदर्शनों की घोषणा की है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित किया। जज ने सुनवाई के दौरान कहा है कि BHP के कार्यक्रमों पर रोक नहीं है, राज्य से सिर्फ यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उसमें भड़काऊ भाषण न हो, इन कार्यक्रमों के चलते हिंसा न फैले। बता दें 31 जुलाई को भीड़ की तरफ से BHP के जुलूस को रोकने की कोशिश के बाद नूह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में 2 होमगार्ड सहित 6 लोग मारे गए हैं। राज्य सरकार के अनुसार अब तक हिंसा के संबंध में 116 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।